आप यहां पर बिजनेस ज्वाइन करिएगा, प्रोसेस बता देते हैं। प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। एक लड़की के लाइफ साइकिल का क्या प्रोसेस? लड़की बड़ी होगी, उसका मासिक धर्म शुरू होगा, एडल्ट हो जाएगी, उस पर शादी होगा, उस पर वो कंसीव करेगी, 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखेगी, तब बच्चे की डिलीवरी होगी और वो माँ बनेगी। डिलीवरी दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सुख भी मिलता है, मातृत्व सुख। ये जो डायमंड शिप है, ये डायमंड शिप उसी मातृत्व सुख का नाम है। लेकिन इस डायमंड की जर्नी में, एमरल्ड की जर्नी में हम लोगों ने जो दर्द दिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझिए, क्योंकि इस प्रोसेस के बगैर आप नहीं जा सकते। कोई लेडी कहेगी ना बिना दर्द के बुद्रू हो जाता, नहीं होगा। पढ़ा ला तैयो और ना पढ़ा ला तैयो, सबके हो तो उतने। देखिए क्या होगा, आप यहां पर है, आप बिजनेस ज्वाइन करिए। क्या करना पड़ेगा? एड्रेस, आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर दीजिएगा, हो गया ज्वाइन। बहुत आदमी बोलेगा सर हम तो ज्वाइन किए हैं 5 बरस से, हमारा कुछ नहीं हुआ। सो टिकट ले ला पटना के, अब गाड़ी में बैठते ना है। सर हम तो दिल्ली जा रहे थे, टिकट ले लिए थे। टिकट कहाँ के लिए थे? कलकत्ता के। टिकट लिए कलकत्ता के, दिल्ली कैसे थे? तो पहला तो सही टिकट ले लीजिए, यहाँ ज्वाइनिंग कर लीजिए। कैसे होगा? आपको जिन्होंने बुलाया बता देंगे, मोबाइल से ज्वाइनिंग होती है, बैठे बैठे हो जाए, जब तक कि खत्म करेगा तब तक आपको करा देगा। इतना आसान है, बहुत आसान है, व्हाट्सएप जितना आसान है भेजना, ज्वाइनिंग कर लिए। इसके बाद आपको शुरू करना पड़ेगा, स्टार्ट। ये याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वाइनिंग करके बहुत आदमी, ये जो हमने बताया था आपको कि आप 1.5 साल में प्लेटिनम जा सकते हैं दोस्तों, 1.5 साल, ज्यादा 2 साल, लेकिन ये कब से? ज्वाइनिंग से नहीं, स्टार्ट से भी नहीं। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट का 3 मतलब है। पहला, प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर। बहुत आदमी ज्वाइन कर लिया है, नहाए हैं तो हाँ, कौन चीज पियर से, तो ब्याह किए सीता से, हनीमून में ले जाकर रीना को, तो मारे ना खाइएगा, अरे पहले यूज ना करिएगा। स्टार्ट का मतलब है 100% प्रोडक्ट यूज, सब चेंज कीजिए, सब प्रोडक्ट। मशरूम बता दिए, लेडी दाढ़ी नहीं बनाएगी आपको। तो स्टार्ट का मतलब है प्रोडक्ट ले लिए, मीटिंग में बैठने लगे। स्टार्ट का मतलब मीटिंग में बैठने लगे, मीटिंग हो सकता नहीं भी अच्छा लगे, तब भी बैठना पड़ेगा। यस, अरे स्कूल में जाना कौन बुतरों को अच्छा लगता है जी? तो बाप भेजता है, नहीं भेजता है? तो जाएगा तब ना पड़ेगा, यहाँ आइएगा तब सीखेगा। किसी दिन लगेगा सर आज तो बहुत मजा नहीं है, तो मजा होगा सो होता है, खाली काम करना पड़ेगा। शुरू कर दिए मीटिंग में, उसके बाद अपलाइन के साथ बैठने लगे, इतना काम करने लगे। 2-3 किताब है जिसको जरूर पढ़ना शुरू कीजिए। शंकर मनसानी की किताब है, नए जमाने का बिजनेस, लॉन्चिंग और फ्यूचर भी आप पढ़िए, और 21वीं सदी का व्यवसाय, प्रोडक्ट वगैरह का बुक ले लीजिए, आपकी शुरुआत हो गई। यहां से भी कुछ नहीं हो, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन। अभी प्रमोद भाई कह रहे थे ना कि डिसीजन लेके जाइए, जितने लीडर आए डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या है? बैठ के शांति से सुन रहे, यही डिसीजन है। क्या है डिसीजन? माथा पोड़ लगे कल जाके, आदमी को पकड़ने लगेगा। क्या है डिसीजन का मतलब? डिसीजन का सबसे पहला मतलब है कि आप 100% डाउट फ्री हुए कि नहीं, शंका का समाधान हुआ कि नहीं। किसी को देखिएगा 4 साल के बाद भी हम भी बिजनेस कर रहे हैं, घर में प्रोडक्ट रखा हुआ है, कोई आदमी आ गया एक्साइटेड है, अभी हम भी करते हैं। नहीं पैसे ही आप ही को डाउट है। अब वो आदमी ज्वाइन करता आपके साथ, आप बोले नहीं। अब यहाँ बैरिया स्टेशन पहुंच गए, बस 3 गो बस है पटना जाने वाला, रात में 9 बजे। पहला से पूछे पटना जाइएगा, देखेंगे पैसेंजर होगा तब। दूसरा पूछेगा पटना जाइएगा, हाँ 9:30 बजे टाइम है, देखिए 10 बजे तक कम से कम खोल देंगे। तीसरा का पूछेगा जाइएगा, 8:32 में खोल देंगे। किस में चढ़िएगा? 8:32 में ना, तो यहाँ पूजा एंड करते हैं ना, आपके साथ क्या लग गया? 100%
परसेंट डाउट फ्री। कौन चीज पर डाउट होता है? पहला सेल्फ, अपने पर डाउट होगा। इनफैक्ट ये सबसे पहला डाउट, हमारा से होगा कि नहीं होगा। अरे साहब से होगा, मैट्रिक फेलो से हो रहा है, पीएचडी से भी हो रहा है, 18 साल से भी हो रहा है, 68 साल के यही बैठे हुए हैं, पीछे में ना सब लोग हैं। 500 करोड़ वाला भी कर दिया, 50 रुपया वाला भी कर दिया, गोरकी भी कर दी, करकी भी कर दी, साफ कर लेगा। डाउट फ्री कैसे होइएगा? फार्मूला नंबर 5 को वीडियो देखिए, 5 को सीडी सुन लीजिए ऑडियो, 5 को किताब पढ़िए, 5 को बड़ा फंक्शन अटेंड कीजिए, 5 बार अपलाइन के साथ बैठ जाइए। अगर डाउट नहीं फ्री हुआ तो छोड़ दीजिए, कहिए आपको डाउट कभी नहीं खत्म। बहुत आदमी को हरदम डाउटे रहता है, हरदम सात जी में डाउट, सात जी में क्वेश्चन। वो बोले ना कि वो पंडित जी पूजा करा रहे थे मंदिर में, देखो पियकर जा रहा था, तो बोला कि ए दुनिया में कौन चीज सबसे बड़ा? कहा मंदिर सबसे बड़ा। पियकर वाला, मंदिर सबसे बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? अब देखिए उसको डाउट हो रहा बार बार। तो बोला कि धरती सबसे बड़ी। कहा धरती सबसे बड़ी माने शेषनाग के माथा पर क्यों खड़ी? पंडित जी बिगड़ा, बोला कि भैया शेषनाग सबसे बड़े, शंकर भगवान सबसे बड़े। कहा शंकर भगवान सबसे बड़े तो हिमालय पर क्यों खड़े? अब डाउटे कभी खत्म नहीं होना। तारने के लिए बोला कि भैया हनुमान हिमालय सबसे बड़े। कहा हिमालय सबसे बड़े तो बजरंग बली की उंगली पर क्यों? क्वेश्चन बहुत मिलेगा। तो वो पुजारी बोला कि बाप तू ही बताओ ना के सबसे बड़ा। तो बोला इस दुनिया में वो सबसे बड़ा जो पूरा बोतल पी के दोनों पैर पर। तो ये डाउट खत्म करना है, ये डाउट खत्म की। दूसरा डाउट होगा एमबे के प्रति। 100% डाउट का मतलब एमबे से डाउट खत्म कीजिए। 2 बरस हो गया सर, एमबे अभी चल रहा है ना, चढ़ रहा है, दौड़ रहा है, लोग क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं, उसको भी ओकरे में लगल हो। अरे वो चल रहा है, टेस्ट तुमको अपने आप को करना है कि तुम उसके लिए हो कि नहीं। डोंट टेस्ट एमबे, टेस्ट योरसेल्फ। अपने आप को टेस्ट। 2 बरस हम बर्बाद किए इसमें। बोले ना गणेश जी सवार, अलग उतरवे नहीं करता है जल्दी, उतारिए जल्दी उसको, कुछ ना हो। आप एक सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं। गणेश जी मुंगेर में उन दिनों पोस्टेड थे, एक जगह जाना था, पीएम का प्रोग्राम था, इलेक्शन का टाइम था, तो कलेक्टर एसपी दोनों को जाना था, वहाँ उसमें हम एडीएम थे। तो एसपी साहब का तबीयत खराब हो गई, उसको अदरवाइज कोर्ट नहीं की जाए, जस्ट हम बता रहे हैं कि कैसे लोग को भ्रम कैसे होता है। तो डीएम साहब बोले कि ओम प्रकाश जी एसपी साहब का तबीयत बहुत खराब है, कैसे होगा, वहाँ जाना है डीएम एसपी दोनों को। हम बोले कुछ नहीं सर, एसपी को कौन पहचानता है, गड़िया को ना पहचानता है। उसका गाड़ी ले लिए काला शीशा, तो हम बैठ गए। अब गाड़ी जा रहा सब सिपाही, काहे देखेगा में कोई है। अब गणेश जी को जल्दी उतारना है। एमए का डाउट, एमए का डाउट फ्री के लिए। तीसरा डाउट क्या होता है? अपलाइन पर और ब्रिट वर्ल्ड वाइड। इतना होने के बावजूद भी अपलाइन पर डाउट कर रहे हैं। अरे भैया अपलाइन पर डाउट मत कीजिए, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। अपलाइन का मतलब खाली यही नहीं कि कोई ज्वाइन करा दिया, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपका मेंटोर है, आप अपने लीडर का हाथ थामिए, उसको बोलिए कि हम करना चाहते हैं, हमको बताओ क्या करें, उसका माथा खराब कर दीजिए, उसका 11 बजे रात में फोन किया ना हमको जाना है, तब वो ब्याह के कहेगा भैया अगर जल्दी ले जाऊं तो हमारा दिन भर माथा खराब। बात समझ रहे हैं? ये डाउट फ्री का मतलब हुआ निर्णय। और दूसरा एक्शन। निर्णय का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति स्वयं से प्लान दिखाना शुरू कर दिया, समझिए उसने निर्णय ले अपने शुरू कर दिया। अरे कुछ है महाराज इसमें, नहाने आप तो बता दिए, नहाने धोने से पैसा आता है, पहले नहाते थे तो उसको आता था, अब नहाएगा तो आपको आएगा, यही तो बताना है। आपको कुछ नहीं समझ में आवे ना, दो चीज बताइए। ए भैया यहाँ 5,000 हो और यहाँ 50,000 महीना में हो, तू एक में रहो कि एक में रहो? बोला ना एक में रहे तो आ जाओ एक में। इतना बोल सकते हैं ना, चलो यू प्लाने हैं। अरे कुछ तो बोलिएगा। हमसे किसी ने बोला कि सर सर्वश्रेष्ठ प्लान कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ प्लान वही जो दिखा दिया,
सबसे बेकार प्लान कौन है? तो जो नहीं दिखाएगा। तो निर्णय का मतलब एक्शन, एक्शन। लेकिन ये इस बीच में मैं रैप अप कर रहा हूं, इस बीच में क्या होगा, ये जो निर्णय लेना है ना, इस निर्णय लेने में आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, सूचना लेना पड़ेगा। आज आप ज्वाइन किए हैं, स्टार्ट कर दिए, सूचना लीजिए। मैंने अभी क्या किया, प्रमोद जी ने क्या किया, नवनीत जी ने क्या किया, मनीष जी क्या बता रहे हैं, प्राणवी जी क्या सूचना दे रहे हैं। मैंने एमवे के बारे में सूचना दी, ब्रिज कॉल के बारे में सूचना, प्रोडक्ट के बारे में सूचना दी। ये सूचना आपको रोज लेना पड़ेगा। सूचना कैसे लीजिएगा, पढ़कर, देखकर, सुनकर। इतना भारी खोपड़ी है मालूम है ना, इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये इतना मजबूत होता है, पोस्टमार्टम कभी देखे करते हुए, आरी से चीरता है हथौड़ा से। अब इसमें कोई बात घुसाना कितना टेढ़ा काम है, इसलिए भगवान हल्का चीर दिया है तो घुस जाएगा, तो सुनिएगा तब। मैं यहां बैठा ये देखना पड़ता है, एकरो बंद किए कहीं दोनों खोलिएगा तो सूचना जाएगा। अब ये लगातार सूचना लीजिएगा तो ये आपके ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिलपत पड़त निशान। बार बार जानिएगा आपको ज्ञान बढ़ जाएगा, और जब ये ज्ञान बढ़ेगा ना तब आपको फेथ होगा, नॉलेज से फेथ होगा। हवाई जहाज पर चढ़ते हैं ना, चढ़े ट्रेन पर भी चढ़े, कभी देखे कि हवाई जहाज आदमी चला रहे हैं बंदर, कभी देखे क्यों चढ़ जाते हैं? आपको फेथ है, क्योंकि आपको नॉलेज है। बहुत लोग चढ़ता है, नहीं रहता है, नहीं चढ़ता। अंग्रेज जब यहाँ पर शुरू कराया था, इस पर थाने हम गए हुए थे सेमिनार लेने, कहा कि यहीं से चला था मुंबई से थाने, मालूम है जब ट्रेन पहली चली कोई बैठने दे रहा, अंग्रेज कहा कि कैदी लोग को लाओ, कैदी लोग बोला साला मारो तो मारो लेकिन नहीं चढ़े। बोला जिसको मृत्यु दंड मिल गया उखरा लाओ, कहा कि साला मृत्यु दंड दे दो लेकिन चढ़ेंगे धक्का से चल जाएगा, साला कब क्या हो जाएगा। उसको कहा कि नहीं ट्रेन से अगर पहुंच जाएगा तुम लोगों को मार, तब चढ़ गया। यही होता है, लेकिन जब धीरे 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 नॉलेज लिए फेथ हो गया, एक्शन ले। जब ये एक्शन लीजिएगा, एक्शन लीजिएगा तो ग्रोथ है। अभी देख रहे थे 3% वाला लगा के खड़ा हुआ, 6% वाला टाइट खड़ा हुआ, 9% वाला एड़ी पर खड़ा हुआ, 12% वाला यहाँ आने के लिए बेचैन, 15% उछल रहा है। सिल्वर तो देखिए लिए, प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम तो देख ही रहे हैं, आई एमरेट को देख ही रहे हैं, मैडम को तनिष्क में जाके समूचा रुपया फूक देती है, अगला महीना फिर आ जाता है, और डायमंड को आप देख ही रहे हैं। तो क्या होगा, ये ग्रोथ होता है, जब ग्रोथ होता है तो बिलीव होने लगता है, ग्रोथ से बिलीव होता है। अभी हम आपको कितना बोलेंगे बिलीव में डाउट होगा, लेकिन जैसे जैसे पिन बदलिएगा आपका बिलीव लेवल बढ़ता जाएगा, और जब बिलीव होगा तब एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको फेथ हो जाएगा। बिलीव और फेथ में एक अंतर है, बिलीव को सबूत की जरूरत होती है, फेथ को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, आस्था। बेसिकली ये बिजनेस कुछ नहीं है, ये निर्णय से आस्था का सफर है। इसी पर हमारी सीडी भी निकली है जो इस सारे एफडी में आपको मिलेगी, निर्णय से आस्था का सफर है, कुछ नहीं, निर्णय से आस्था का सफर है। अब ये पूरा साइकिल है, जब आप एक्शन लेने लगिएगा दोस्त, तो मैंने फिर मैं बात को अब रैपअप कर दूं, क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन में क्या करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, यानी मूल बात क्या है, प्लान दिखाना। ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, क्या काम करना है, जोर से बोलिए, प्लान दिखाना है। तो क्या हर सट्टे आदमी को पकड़ के दिखा दीजिएगा, नहीं, उसका स्टेप है, पहला स्टेप को बोलते हैं लिस्ट बनाना। अगर ज्वाइन किए जाके फटाफट क्यों बिजनेस कर रहे हैं उसका लिख दीजिए लिस्ट, और लोगों की सूची बनाइए, पूरा किताब में लिखा हुआ, हम डिटेल नहीं बनाए, लेकिन शंकर मनसानी कहते हैं कि कम से कम 300 से 400 आदमी का नाम डायरी में तुरंत लिख देना चाहिए, नहीं तो आपको दिमाग लगाने लगेगा। जितना नाम आप लिख सकते हैं लिख दीजिए, मतलब उसमें मोदी जी का नाम मत लिख दीजिए। दूसरा स्टेप है 4 basics का, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। इसका एक फॉर्मूला है FORM, फोन किए। हम लोग गलती क्या करते हैं, फोन किए एमएम बिजनेस ज्वाइन कीजिएगा, उसका एक 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 एटिकेट मैनर होता है। आप किसी को फोन कीजिए, भाई साहब बात करने की स्थिति में हैं, आप फोन लगा रहे हो, पत्नी से लड़ रहा है, अब बोलेगा एमएम बिजनेस बात कर नहीं, मुझे भाई साहब आप बात करने की स्थिति कहाँ है, फॉर फैमिली के बारे में, और बाल बच्चा सब ठीक है वो घर में, हाँ दम बढ़िया, ऑक्यूपेशन और सब धंधा पानी, नौकरी कैसा चल रहा है। 90% आदमी इसमें रोएगा, पूछ के देख लीजिए, सरकारी नौकरी वाला पूछिए कलेक्ट्रेट में, नहीं सर आज डीएम बड़ा बदमाश आ गया,
वो बता जाएगा कह रहा है सर पहले के ठीक था तो और बदमाश है होता है कि नहीं। कपड़ा वाला पूछिए नहीं सर पूछो नहीं मेल के लिए रखे हो फायदा है हमें। डॉक्टर साहब पूछे अपनी बीमारी नहीं पड़ रहा आदमी। वकील साहब तो मैं कैसे नहीं आता सब परेशान ऑक्यूपेशन तब थोड़ा रिक्रिएशन कीजिए अन्यथा एक घंटा रोएगा कहते चलिए जीवन है चलता है इससे मुक्त होना चाहते हैं बचे हुए समय में बगैर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के किसी बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पर हम काम करना चाहते आप देखना चाहते हैं मैसेज तो दुए चीज बोलेगा बोलेगा देखना चाहते हैं मैं देखना चाहते हैं बोलेगा कि मारेगा। तब तीसरा काम क्या है एसटीपी सो द प्लान चार तरीका है पहला ओवरव्यू 10 मिनट में हो जाता समय नहीं था आपको बता ओवरव्यू 10 मिनट में बता सकते हैं पेन एंड पेपर बगैर एमपे का नाम लिए हम लोगों को बताते हैं लास्ट टाइम आपको लगता है कि हमने बताया भी था। उसके बाद है 1-to-1 आमने सामने बैठ के फिर है होम मीटिंग कुछ लोगों को बुलाया वोट मार कर और एक तरीका है ओपन मीटिंग जैसे ये है इसी में बुला लीजिए ये थर्ड स्टेप हो गया इसको मिटा दीजिए। चौथा स्टेप क्या है चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और इस बिजनेस में 90% लोग चौथे स्टेप नहीं करने के कारण होते ये चौथा स्टेप है मैं समाप्त कर रहा हूं बात उसको बोलते हैं फॉलो अप फॉलो थ्रू एंड गेटिंग स्टार्टेड। इसमें आप लोग सब लोग का उत्तर मिल जाएगा आपके प्रश्न का। देखिए फॉलो अप का मतलब क्या होता है जैसे उसको प्लान दिखाइएगा 3 क्वेश्चन पूछेगा पहला क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन तो प्रोडक्ट में थोड़ा महंगा है होता है हम लोग इसका हमेशा गलत जवाब देते हैं। जैसे बोला प्रोडक्ट महंगा है उसका उत्तर दीजिए कौन वाला महंगा लगा आप बोलिए टेस्ट करिएगा कल से आप चालू कीजिए प्रोडक्ट महंगा मिले कौन वाला महंगा लगा वो जानते क्या बोलेगा नहीं वो पता नहीं हमारा साढ़ू आए थे बंगलौर से लेकर ऐसी एक बार बैठे चाय पीते दामू चक में बोल रहा है बड़ी महंगा है यही बोलेगा। फिर उसको बोलना है फील फेस हॉम उसको बोलना है आप ठीक बोल रहे हैं भाई साहब हमको भी यही लगता था लेकिन यूज किए तो पाए कि सस्ता है और आप डेमो अगर कर दीजिएगा एक डेमो 100 बात का जवाब है अभी टाइम नहीं था आपको कुछ डेमो भी दिखाते तो बता दीजिए डेमो उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वो तो ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है फिर वो एक मुस्कुरा के बोले अच्छा भाई साहब कभी सोचे हैं कि टाइम नहीं है अगर तो हमारी समस्या की उपलब्धि है तो कुछ नहीं बोलेगा कहा कि उसको टाइम भी है हमें आपको घर में प्लान दिखाने से फायदा होता है पत्नी के साथ जाने पर एक बार गए वाइफ के साथ तो मुझे क्या बोले सर टाइम नहीं है जब प्लान उलान पूरा दिखा दे उसकी पत्नी बोली कि सर करवाएंगे दिन भर बैठ के मच्छी मारते रहते हैं करेगा टाइम है मेरे पास तो समस्या है उपलब्धि नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है बहुत पैसा होना चाहिए तो तुरंत पैसों नहीं है टाइमो नहीं है तो तुम इसमें ना आओ इसमें दोनों चीज है। और तीसरा स्टेप हम बहुत आदमी को नहीं जानते तो बोले ऐसे एक आदमी को जानते हो जो बहुत को जानता हो बेसिकली ये तीनों क्वेश्चन फॉल्स है फॉल्स सीलिंग लगा रखा है ना ये फॉल्स है। 2 क्वेश्चन रहता है मन में जितने नए लोग हैं ना वो उनके मन में ही 2 क्वेश्चन होगा बता देता है कौन क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या एमवे बढ़िया है अभी भी बहुत लोग के मन में होगा आप बढ़िया से जाके पढ़ लीजिए इसका जवाब कैसे दीजिएगा ये सक्सेस प्रोफाइल है इसको आपको दिखाना पड़ेगा इसको दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे लोग सफल है दिखाना पड़ेगा हम ऐसे किसी का पेज खोल देते हैं आप देखिए क्रिटियन सरस्वती दास गुप्ता इसका दिखाइएगा कि भाई भाई प्रोफेशन इंजीनियर है ये बेस बिजनेस में है अगला पन्ना उलटिएगा कोई आ जाएगा। अशोक पंडित ये प्राइमरी स्कूल के टीचर संविदा पर बहाल शिक्षक ये बेस बिजनेस में है आपको नहीं समझ में आएगा और आगे बढ़िएगा। अब देखिए गोपा सरकार ये वेस्ट बंगाल का डिप्टी कलेक्टर ये बेस बिजनेस में है और आगे बढ़िएगा ये सक्सेस प्रोफाइल आपको रखना पड़ेगा बिना इसको दिखाए बात बनती नहीं है। अब अगर कहीं 160 पेज पर आप चले गए निकालिए तो ये सक्सेस प्रोफाइल दिखाने से क्या होता है कि उसका ये पहला क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अब ये दिखा दीजिएगा कि देखिए ये बिहार में भी है ये हमारी ही तस्वीर है और इसके बगल में जो है ये पंकज टिटोरिया है फिल्म स्टार इस बार इन्हीं के घर पर हमारा खाना पीना 7वां में 7 बार फेल किए फिल्म स्टार बनने गए थे फिल्म स्टार भी हैं
और इस बिजनेस में ये लापता गंज के प्रोड्यूसर भी हैं। ये वो सीरियल चलता है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब एमवे बढ़िया है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन हमसे होगा कि नहीं, सब लोग के मन में यही होगा। तो जिन्होंने बुलाया है वो कैसे जवाब देंगे? उसका हाथ पकड़िए, बोले कि भाई हमसे हो गया तुमसे भी हो गया। विश्वास का ट्रांसफर करना पड़ता है, तो आपको विश्वास रहेगा तब ना ट्रांसफर कीजिएगा, कि विश्वास नहीं रहेगा तो ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा रहेगा तब ना ट्रांसफर कीजिएगा जी, नहीं मेरी बात समझ रहे? तो आप अपने विश्वास पैदा कीजिए तब उसको ट्रांसफर कीजिए, ना तो वेटरनरी डॉक्टर वाला हाल हो जाएगा। मालूम है ना, नया नया डॉक्टरी सीखे, गाय के दवाई देने गए, गाड़ी से दवाई पिलाता है ना, तो दवाइयाँ लेके फूके पर गाय फूक दे डॉक्टर साहब के मुंह में चला। तो ये विश्वास का ट्रांसफर करिए, उसको बताइए कि हमसे और आपसे भी हो जाए। ये फॉलो अप हो गया, फॉलो थ्रू कुछ नहीं, पेपर लेके ज्वाइनिंग करा दीजिए। असल खेल है ये गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत कराना। मैं बात खत्म कर रहा हूं, अगर आपने अच्छी और सच्ची शुरुआत करा दी तो इस बिजनेस में बंदा टिक जाएगा, और टिक जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। यहाँ से हाजीपुर में कितना पेड़ बचता है, लेकिन कौन पेड़ बचता है? जिसको गैडियन मिल गया, जिसको पानी मिल गया, जिसको खाद मिल गया, जिसको हवा मिल गया। इस बिजनेस में वही, उसको ज्वाइन कराइए, पांच काम करिए। पहला प्रोडक्ट दिलाइए, दूसरा फिर से उसको प्लान दिखाइए उसके डायरी पर, क्योंकि पहली बार वो आपके नजरिए से देखा, दूसरी बार वो अपने नजरिए से देखा। तीसरा काम, उसको मीटिंग में लाइए, यहाँ फेथ होता है, बड़े फंक्शन में ले जाइए। चौथा काम, उसको कुछ बुक्स और सीडीज प्रोवाइड कराइए, खरीदवा दीजिए, बता दीजिए, दे दीजिए जो सुविधा हो। और अंतिम काम, उसके घर में प्रोडक्ट जाकर के सील खोल दीजिए। और अंतिम काम, उसके साथ खूब अच्छा संबंध स्थापित कीजिए। वो आदमी ये जरूर कहे कि ये बिजनेस कैसा है पता नहीं, लेकिन ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है और जेन्युइनली हमको मदद करना चाह रहा है। ये विश्वास, ये संबंध अगर आपने पैदा कर लिया, वो व्यक्ति टिक जाएगा, और वो टिक जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। दोस्तों मैं अपनी बात खत्म कर दूं, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय निर्णय नहीं लीजिएगा आगे कुछ नहीं होगा। मेरी एक फेवरेट स्टोरी है, उसको बता के हम खत्म कर देते हैं, अक्सर लोगों को सुनाए हैं, नए लोगों को सुना देते हैं। एक नदी के किनारे एक बर का पेड़ था, उस पर एक बंदर का जोड़ा रहता था। बंदर, हम लोग के पूर्वज भी बंदर थे, तो वो बंदर बंदरी वो नीचे में देखता था कि नया शादी होता था ना, तो जोड़ा नदिया में पूजा करने आता ना, बर का पूजा करता है ना दुल्हन लोग, तो दोनों के मन में पैदा लिया बोला हम भी इंसान रहते तो कितना बढ़िया शादी करते। तो भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु अवतरित होइए। शंकर भगवान आ गए, बोले मांगो बर, तो बोले कि इसको राजा, हमको रानी बना दीजिए। तो भगवान बोले तथास्तु, लेकिन एक शर्त है, मेरा बात खत्म होने के पहले तुमको नदी में कूदना पड़ेगा, अब तुम्हारा समय शुरू होता है। अब बंदरिया कूद गई, बंदरवा ऊपर नोच लगाए, इन निकली तो राजकुमारी, वो बंदरे रह गया। बोला रे बेहुदा तुम कूदा क्या है नहीं, तो बोला हम सोचे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वो बोली कह रहे जो नहीं होगा तो जो है वो तो रहे करेंगे, सारा चांस लेने में क्या दिक्कत, चांस लेने में क्या दिक्कत है, अगर मेहनत कर दिए हम लोग सभी लोग कामयाब हो जाएंगे।